हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक। ये पता नहीं क्या नया ग्लिच है, लेट मी गेट स्ट्रेट टू द पॉइंट। अभी हम लोग जोरजो पुल आए, हॉट ड्रॉप किया, मगर कोई बंदा नहीं था। इधर एक बॉट दिखा, मैंने इसको टपका दिया। देखो SKS बहुत पहले चलाता था और अभी बहुत ही जल्दी चला रहा हूँ, मतलब आज चलाया मैंने। और ये गेम प्ले देखो बहुत पुराना है। आगे पे बंदे दिखते हैं, मगर यार SKS फिर भी वही लफड़ा है। तो मैं 4x ट्राई करता हूँ एक गेम पे, जो भाई बहुत ही बुरा हाल होने वाला है। स्प्रे मारते मारते मेरा टीममेट यार उसको मार देता है, फुल फिनिश, नॉक और फिनिश। इसको मैं टपकाता हूँ, मतलब पता नहीं क्या नशे करके दौड़ रहा था शॉटगन लेके। मुझे लगा M24 या कुछ होगा, मगर नहीं, फायर देता है, फिर मैं फायर देता हूँ, गया काम से। इन दोनों को तो भाई इजीली मार दिया 4x भाई, मगर इजी बस बोलना होता है। एक गेम पे एक बार 4x चला के देखो, फिर पता चलता है एम बहुत मुश्किल से करना पड़ता है। इधर आता हूँ, ड्रॉप लूटता हूँ, ग्रोज़ा मिलता है, ग्रोज़ा उठाता हूँ, मगर MK मैं छोड़ देता हूँ। मगर मतलब क्यों दोनों के दोनों क्यों? तो अभी 23 अलाइव थे, तो मैंने सोचा यार अच्छा लॉबी है, कॉम्पिटिटिव चल रहा है, रैंक पुश चल रहा है, तो हम लोग भी एक कंपाउंड जोन के अंदर कंपाउंड होल्ड करके बैठेंगे। आगे बग्गी थी, ड्रॉप था, तो लग चुका था मुझे कि बंदा है। तो बंदा है तो भाई मैं हूँ, और जहाँ बंदा है तो उधर घुसना तो पड़ेगा। देखो कॉम्पिटिटिव हो या कुछ भी हो, कैंपर्स हो, जाना तो पड़ेगा, वरना कंटेंट कहाँ से मिलेगा भाई, ठीक है? तो मैं सोच रहा था जाते जाते ड्रॉप लूट लूँ, ठीक है, क्योंकि यार 8x मेरे बैग में पड़ा था और सबको मालूम है कि AWM का शौकीन हूँ, AWM मुझे बहुत पसंद है। तो मैं सोचा यार AWM, मगर निकला ग्रोज़ा। और ये पता नहीं ये बंदा था बॉट था, मगर इसने ठीक ठाक फायर दी थी, ये बात तो माननी पड़ेगी। फिर उधर से आते हैं, मेरा टीममेट इधर मार्क करता है, बंदा है, दिखा मेरे को, तो बहुत ट्राई किया यार, बहुत ट्राई किया। हेड पे लगता है उसका, मगर नॉक नहीं हो पाता, क्योंकि यार 6x बहुत दूर भी है यार, डिस्टेंस देखो ना। फिर मैं सोचता हूँ यार चलो छोड़ो इनको, जो आगे वाले हैं उनको पकड़ते हैं। नंबर 3 पता नहीं किस पे फायर दे रहा था यार, रैंडम के साथ खेलो तो यही होता है, माइक ऑन नहीं करते, बोलते नहीं, बस एनिमी अहेड, वॉच आउट, ये सब करते रहते हैं। तो अभी जोन शिफ्ट हो रहा था, तो हमको देखना था कि बंदे जोन इधर ही होगा या दूसरे साइड, और जैसे कि सबको मालूम है जोन दूसरे साइड ही रहा। आई मीन सीरियसली, एनीवेज, इफ यू आर प्लेइंग पबजी मोबाइल देन यू मस्ट नो दैट इन पबजी मोबाइल जोन डजंट लिसन टू एनी प्लेयर्स विशेस। तो हम दोनों बैठ के इधर जाने वाले होते हैं, मतलब जोन के अंदर कंपाउंड होल्ड करने। अभी तक 15 लाइव है, मतलब हमको मिला के 15 लाइव 14। हम लोग चलते हैं, नंबर 2 भी आता है, नंबर 2 अपना ही दोस्त है तो नो प्रॉब्लम, मगर नंबर 3 के साथ कम्युनिकेशन यार बहुत मुश्किल है। जाते हैं, आगे फायरिंग होती है, हमको पता चलता है, तो इधर ही आगे जाके कंपाउंड पे रुकते हैं। और यहाँ पे पहले से ही 2 टीम फाइट कर रही थी, ठीक है, एक यहाँ पे आगे की तरफ और एक ये जो टावर दिख रहा है ना वहाँ से। पहले तो मुझे मालूम नहीं था, मगर आगे आगे मालूम पड़ता गया मुझे। आई मीन सीरियसली,
इसको ऐड दिया, मगर यार अहम ठीक टाइम पे निकला है ब्रो, व्हाट अ टाइमिंग। एनीवेज आगे देखो, ट्राई करता हूँ इधर से नॉक निकालने के लिए, मगर यार इतनी दूर जोन उधर बन गया तो क्या फायदा, ठीक है ना, वो रिवाइव हो जाएगा फिर तो मैं कुछ नहीं कर सकता। तो मैं इधर नॉक निकाल ही देता हूँ वैसे भी, क्योंकि मैंने उस बंदे को हेड दे दिया था पहले से ही, तो मैं सोच रहा था कि रश कर दूँ भाई, मगर उसके बाद क्या ही गंदा स्प्रे पड़ा है मेरे ऊपर। और ये नंबर थ्री, एक्चुअली ये रश होने का मतलब ये है कि ये नंबर थ्री ने भाई लेट कर दिया। यार रश करने के लिए टाइमिंग चाहिए होती है, मगर इसने लेट कर दिया, बहुत ही लेट। वो पता चलता है वही टावर पे दो बंदे बैठे हैं। अब तुम खुद ही सोचो यार, टावर पे दो बंदे पहले से ही लेट के बैठे हैं तो क्या होगा। फिर मैं पीछे आता हूँ पीछे देखने के लिए, एक बंदा दिख जाता है, बस उसकी देरी थी, आने की देरी थी। तो मैं सोच रहा था यार थोड़ी देर इधर होल्ड कर लूँगा, मगर टावर वाला बंदा भाई क्या बोलूँ, उसके पास बहुत ही बढ़िया एंगल था, और टावर वाले ने फिर से किल चोरी कर ली, तो उसको थोड़ा सा डैमेज देता हूँ, मगर कुछ हो नहीं पाता है। देखो नंबर थ्री पता नहीं क्या कर रहा था, कुछ समझ नहीं आ रहा था, मुझे खुद ही समझ नहीं आ रहा था। तो मैंने सोचा चलो ठीक है, किल चोरी कर लिया तो कहाँ जाओगे भाई, नीचे तो आना पड़ेगा। मैं वेट ही कर रहा था इन लोगों के लिए, फिर बाद में पीछे से वायर आती है, तो भाई मैं तंग आ चुका था। मगर मतलब बंदे देख रहे हो ना, बंदे कहाँ कहाँ पे। मैं इधर फिनिश करने के लिए कोशिश कर रहा था यार, क्योंकि यार पीछे वाला बंदा किल चोरी करना कर दे, मतलब टावर वाला, तो मेरे को थोड़ी देर के लिए लगा कि मेरा किल चोरी हो चुका है, मगर बाद में किल आ जाता है, नो प्रॉब्लम, नो इश्यूज आता है। बट ये टावर वाले का करूँ क्या। तो मैं यहाँ पे सोच रहा था कि इनको पहले निपटाते हैं फिर आगे वाले को देखते हैं, मगर आगे वाला स्मोक करके आ जाता है। तो यहाँ पे भाई मैं फुल मतलब बहुत ही बुरा क्या बोलूँ, यहाँ पे गलती से फेंक दिया मैंने नीचे अपनी तरफ ही, पर नो प्रॉब्लम वो नीचे गिर गया था, वो मेरा किल भी आ गया, वाह नाइस। मैं ट्राई करता हूँ यार यहाँ से नेट फेंकने की, मगर नहीं हो पाता भाई। तो मैं सोच रहा था यार क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ, फिर बाद में याद आता है FPP दबाना होता है भाई, फेंक देता हूँ, कोई ठिलता नहीं है, नेट बाउंस करके वापस आ गया, नो प्रॉब्लम। तो आगे वाले पे जोन नहीं था, हम पे ही जोन था, तो मैं सोच रहा था यार दिस इज अ गुड टाइमिंग, आई कैन टेक अ गुड अमाउंट ऑफ किल्स। तो मैंने सोचा यार चलो ठीक है आने दो, फिर जैसे बजाऊंगा ना भाई, इन लोगों ने नाक में दम करके रख दिया था कसम से। तो एक बंदे के फुटस्टेप आ रहे थे मुझे, नंबर थ्री नॉक किए जा रहा था, मगर नंबर थ्री बाद में फिनिश हो जाता है, इसको नॉक किया फिनिश किया, मगर गलती कर दी कि क्लोज रेंज में मैंने स्कोप खोल दिया। नंबर थ्री नॉक फिनिश दोनों हो जाते भाई, मेरे सामने बंदा था, मगर ये देखो कहाँ देख रहे हो चचा, ओ चचा तुम्हें क्या लगा चिकन डिनर, नै सैड लाइफ।